मेरी तरफ से सारे सभी एसलीपीएस परिवार को प्यार भरा, शिद्दत भरा, मोहब्बत भरा नमस्कार। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि शायद मुझसे बोला नहीं जाएगा, मैं बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप सबको देख के ऐसा लग रहा है कि एसलीपीएस परिवार नहीं, पूरी कायनात जैसे धरती पर उतर गई हो, पूरी कायनात। इतनी मोहब्बत, इतनी शिद्दत से किसी ने खुद से नहीं की होगी जितनी आज आपने एसलीपीएस वेलनेस से करके दिखाई है। दोस्तों, मैं आप सभी भाई बहनों का, बुजुर्गों का, माताजी का, पिताजी का, जो भी काफी दूर दूर से आए हैं, मैं एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, मेरे एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर मिस्टर मामचंद जी, मेरे फाइनेंस डायरेक्टर मिस्टर अमित कुरी जी, कंपनी टॉप लीडर और सभी अचीवर्स की तरफ से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम टू ऑल। दोस्ती सफर 9 नवंबर 2014 को हमने शुरू किया था। अभी हमने एक गाना सुना, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। एक भारत की कंपनी आई और अपने भारत, भारतीय परंपरा के आयुर्वेद को फिर मार्केट में लेके आई, लोगों को एक्सेप्ट कराया और आज लाखों लोगों को ठीक किया। इसी भारत में इतनी ताकत है। लेकिन हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो कुछ भी नहीं किया, बस एक सपना देखा था कि क्या ऐसा होगा, स्वस्थ भारत होगा, क्या ऐसा होगा कि गरीब आदमी भी ठीक हो सकेगा, क्या ऐसा होगा कि लाइलाज बीमारियां ठीक हो सकेंगी। ये सिर्फ हमने एक सपना देखा था, लेकिन दोस्तों, आप सब फाइटर्स ने ये सपना आज यहां आकर राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े इंडोर स्टेडियम में खचाखच आकर, इतनी भीड़ के साथ आकर साबित कर दिया कि सर आपने तो सपना देखा था, पूरा हम करेंगे। हमने तो सोच बनाई थी कि क्या इस कलयुग में भी सच बेचा जा सकता है, क्या आज भी लोगों से सच्चाई से बातें की जा सकती हैं, क्या ईमानदारी से पैसा कमाया जा सकता है, क्या लोगों का दिल जीत कर भी पैसा कमाया जाता है। तो बहुत लोगों को जब हमने डिस्कस किया तो बोला, धंधा तो ऐसे होता ही नहीं, बिजनेस करना है तो झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, पैसा कमाना है तो लोगों को ठगना तो पड़ेगा, नोट कमाना है तो किसी ना किसी का दिल तो दुखाना पड़ेगा। तो हमने कहा, नहीं, हम एक आंदोलन चलाएंगे, एक मुहिम चलाएंगे एसलीपीएस के रूप में, और हम देखते हैं कि सच बिकता है या नहीं। हमने सोचा था आपकी ईमानदारी, आपकी सच्चाई ने, यहां देखकर मुझे लग रहा है आपने साबित कर दिया कि सच भी बिकता है, सच भी बिकता है। इतनी शिद्दत से आप लोगों ने काम किया। अरे अभी तो 2 साल नहीं हुए, 2 साल नहीं हुए, अगर ताल कटोरा भर दिया तो आने वाले 2 साल में क्या करोगे? क्या रामलीला भरने का इरादा है? माय डियर फ्रेंड, बड़ी बड़ी मजाक उड़ी थी हमारी और आपकी, बड़ी बड़ी बातें करते थे लोग, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मेरा बैकग्राउंड एक देशभक्त का है, मैं पहले आर्मी में था, वहां भी देशभक्ति की थी, मुझे कोई शर्म नहीं है बताने में। जब मेरी दूसरी पारी शुरू हुई तो मैंने कहा, कुछ करना है, कुछ करना है,
क्योंकि पैसा चाहिए पेट पालने के लिए। यस और नो? बातों से पेट नहीं भरता। संजीव कुमार कुछ करना है, क्या करना है? बिजनेस करना है। मैंने कहा बिजनेस? मैंने काफी लोगों से बात की कि भाई बिजनेस करना है, तो मैंने एक एक्सपीरियंस लिया बिजनेस का कि जो भी बिजनेस करता है उसे लोग बद्दुआएं देते हैं, चाहे वो कितना मर्जी पैसा कमा ले। कोई भी कुछ भी खरीदता है तो उसे कभी दुआ नहीं देता। हम एक मोबाइल खरीदने जाते हैं अपनी पसंद का, अपनी समझ का, लेकिन लेके आके क्या बोलते हैं? हराम जादे ने 20 रुपए ज्यादा लगा लिए या 2000 ज्यादा लगा लिए। हाँ है ना? एक आलू खरीदते हैं ना 10 रुपए किलो, तो थोड़ा आगे बेचारे गरीब ठेली वाले को बोलते हैं सब्जी हमें खानी, आलू हमें खाना, पसंद हमारी, कि कुत्ते ने 2 रुपए फालतू लगा लिए। यस और नो? तो मुझे लगा कि भाई बिजनेस करना है तो गालियां तो खानी पड़ेंगी, बद्दुआएं लेनी पड़ेगी। लेकिन नहीं, सोच ये नहीं थी। सोच ये थी कि काम ऐसा करना है जहां नाम मिले, सम्मान मिले और पूरी दुनिया में पहचान मिले और लोग बद्दुआ ना सिर्फ दुआ दे। ढूंढा, बहुत ढूंढा, काम नहीं मिला। क्या करूं, क्या करूं? फिर देखा कि इस दुनिया में दुआ तो जब निकल सकती है जब किसी दुखी की आप मदद कर दो। यस और नो? नहीं तो दुआ मिल ही नहीं सकती। तो देखा कि सबसे ज्यादा आज दुखी कौन है। नजर गई अस्पतालों पर, नजर गई बीमारियों पर। जिस भी अस्पताल में जाओ बेड खाली नहीं मिलते, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती। नजर गई गरीब आदमी पर, अगर पैसे नहीं है तो ऑपरेशन नहीं करा सकता, पैसे नहीं है तो इलाज नहीं करा सकता। नजर गई उस एक्सीडेंट होल्डर पर, पैसे नहीं है तो डॉक्टर्स हॉस्पिटल एंट्री नहीं करता, पहले पैसा जमा कराओ तब इलाज करेंगे। नजर गई कि अगर हिंदुस्तान का ये दुख हम दूर कर देंगे तो जरूर ऐसा होगा, नाम मिलेगा, मान मिलेगा, पैसा मिलेगा और पहचान मिलेगी। तब हमने फैसला किया अपनी परंपरा को लाने का, भारत की वह परंपरा। ये गाना क्यों सुना था मालूम? जब जीरो दिया भारत ने, भारत ने जीरो दिया पूरी दुनिया को। इस भारत के अंदर है क्या नहीं, हमारी प्राकृतिक संस्थाओं में क्या नहीं है, हम क्या नहीं बना सकते, पर बनाने से पहले, करने से पहले नेक दिल चाहिए, सच्चाई चाहिए, ईमानदारी चाहिए, नीति चाहिए और नियत चाहिए। आई थिंक कि हो सकता है संजीव, हम कर सकते हैं। हमने मिलकर बैठकर बात की कि अगर अच्छा और सच्चा आयुर्वेद बनाया जाए तो दोबारा वो संजीवनी बूटी बन सकता है, दोबारा बीमार लोगों के इलाज हो सकता है। जहां लाखों करोड़ों रुपए लगने थे हजारों में लोग ठीक हो सकते हैं। और दोस्तों ये फैसला जब हमने 2 साल पहले लिया तो लोगों ने हंसी करी, मजाक करी, यही एस्लिपियस, यही संजीव, वेलकम होटल द्वारिका दिल्ली। कंपनी की लॉन्चिंग पे मात्र 100 लोग थे, मात्र 100 लोग आए थे, 20 लोगों ने कंपनी को ज्वाइन किया था, 80 लोग थाली खाके हंस के चले गए थे कि देख लेंगे क्या होगा। तो मैंने कहा देख लेना, जलवा ही जलवा होगा और जलवा होगा और जलवा होगा, देख लेना। क्योंकि मैं नहीं बोलूंगा मार्केट में जाकर, प्रोडक्ट बोलेगा, ऑर्थोडॉक बोलेगा, थंडर ब्लास्ट बोलेगा, डाइबोडॉक बोलेगा कि मुझ में कितनी पावर है, हम नहीं बोलेंगे। दोस्तों लोगों ने कहा तुम लिक्विड प्रोडक्ट बेचकर घाटे में जाओगे, पैसे नहीं कमा पाओगे, पागल मत बनो। हमने बेचा, पैसे भी कमाए और आपका इतना प्यार भी कमाया। बड़े मजाक ली थी, बोला सर ये क्या कर रहे हो आप, कोई फॉरेन कंपनी ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? फॉरेन कंपनी
किसी फॉरेन कंपनी में काम करो, उनके पास डिसिप्लिन होता है, ये होता है, वो होता है, फलाना होता है। तो मैंने कहा सच्चा हिंदुस्तानी हूं, गुलामी नहीं करूंगा, मर जाऊंगा पर गुलामी नहीं करूंगा, नहीं कमाऊंगा कोई बात नहीं, पर जीऊंगा हिंदुस्तान के लिए, मरूंगा हिंदुस्तान के लिए, मेरी धरती है, इससे प्यार करता हूं। क्या नहीं है हमारे पास, क्या नहीं है हमारे पास, सिर्फ नीति और नियत नहीं है। अगर नीति और नियत हो तो हिंदुस्तान से ताकतवर ना कोई था ना है और ना आने वाले समय में होगा। हम हिंदुस्तानी हैं, प्योर हिंदुस्तानी। दोस्तों करोड़ों के ऑफर दिए मुझे कंपनियों ने, सर मुझे लॉन्च कर दो, मुझे लॉन्च कर दो इंडिया में, मुझे लॉन्च कर दो। लॉस वेगास के वीजे भेजे मेरे लिए बना बना के कि संजीव सर आप हमारे साथ आओ। मैंने करना नमक की खा लूंगा पर साला गोरो तुम्हारी गुलामी नहीं करूंगा, मैं गुलामी नहीं करूंगा। तो बोला देखते हैं, किसी कंपनी को टक्कर दोगे तब देखेंगे। मैंने कहा मैं टक्कर भी नहीं दूंगा, मैं किसी से कंपटीशन भी नहीं करूंगा, पर मैं जो दूंगा नेक नीति से दूंगा, नियत से दूंगा। फैसला जनता करेगी कि किस में पावर है, हम फैसला नहीं करेंगे। तो दोस्तों सिर्फ एक ही उम्मीद थी जिंदगी में कि कुछ ऐसा हो जाए कि लोग दुआएं दे। आज इंसान कितना गिर गया है, अगर कोई ऐसा भाई बैठा हो तो बुरा मत मानना। अरे क्या है, इस धरती पे आए हो एक दिन उड़ जाओगे सब, कोई 70 साल में, कोई 60 साल में, कोई 75 साल में, क्या लेके जाओगे, कितनी दौलत लेके जाओगे, सिर्फ एक चीज लेके जाओगे, किसके साथ अच्छा किया, किसके साथ बुरा किया, किसका दिल दुखाया, किसका दिल रुलाया, इसके सिवा यहां से आप कुछ नहीं लेके जाओगे, सब यही छोड़ के जाओगे। अरे पैसे ही तो कमाना है, चाहतों को पूरी करने के लिए तो कमाना है, तो वो अच्छी आदत से, ईमानदारी से, सच्ची नेक नियत से भी कमाया जा सकता है। आज आप लोग कमा रहे हो, अरे कमा रहे हो, अरे कमा रहे हो, ईमानदारी से, सच्चाई से, नेक नियत से कमाया जाता है, कमाया जाता है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं। आज इंसान इतना गिर चुका है, लोग क्या क्या कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, अपहरण, डकैती, नकली दवाइयां, मिलावटी चीजें, पनीर के अंदर यूरिया मिला रहे हैं, दूध के अंदर यूरिया मिला रहे हैं, घी के अंदर केमिकल मिला रहे हैं, आइसक्रीम में केमिकल मिला रहे हैं। आज एक इंसान कितना गिर चुका मेरे भाई, बुरा मत मानना प्लीज, बात दिल से करता हूं, दिल की बोलूंगा, इंसान कितना गिर गया यार, अपनी दो रोटी कमाने के लिए किसी को मौत देने को तैयार है, किसी की जिंदगी छीनने को तैयार है, कितने गिर गए हैं लोग। और एक हम लोग, आप सब लोग, आप क्या कर रहे हो? अरे लोग दुनिया की जिंदगियां छीन कर मौत बांट कर पैसा कमाते हैं, पर असली बेस परिवार का, एक एक परिवार का मेंबर जिंदगी बांटता है, जिंदगी बांटता है, जिंदगी बांटता है और जिंदगी बांटता है। पैसा हम भी कम, पैसा हम भी कमा रहे, भूखे हम भी नहीं मर, गाड़ी बंगले हमारे पास भी है, लेकिन जिंदगियां बांटकर कैसा एहसास होता होगा तब इंसान ऐसा काम करता है, अच्छा या बुरा, कैसा लगता होगा, कैसा लगता होगा जब कोई बुजुर्ग आके बोले बेटा तेरे प्रोडक्ट से मेरा 2.5 लाख का ऑपरेशन बच गया, बेटा 10,000 में मैं ठीक हो गया, आ तुझे आशीर्वाद दूं, कैसा लगता होगा, कैसा लगता होगा। इस दौलत से बड़ी कोई दौलत नहीं है, दौलत मैंने भी देखी है बहुत रास्ते, जिस दौलत से बड़ी दौलत नहीं है। जब मुझे कोई फोन करता है क्लोजिंग कितनी है, 2 करोड़ की, 5 करोड़ की, 10 करोड़ की, शायद इतना खुश नहीं होता। पर अभी किसी ने मुझे फोन किया आपसे 6 दिन पहले, सर मैंने कहा हां मैं एक्साइटेड हूं सर, मैंने कहा क्या हो गया, बोला सर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मैंने कहा भाई कैसे, क्या हुआ, सर इतना बड़ा रिजल्ट आया है कि मैं सोच नहीं सकता, मैंने कहा क्या बता, बोला सर अपने ज्ञानोडोक से
एक लेडीज को पूरे हिंदुस्तान का डॉक्टर ने बोला तुम्हें वो एग नहीं बन सकता, और उन्होंने हार मान ली, पर अपने ग्यारह डॉग को लेकर वो लेडीज एक प्यारी सी बिटिया की मां बनी है। अरे जब सुना ना ऐसा लगा जीवन सफल हो गया। काहे की 5 करोड़ की क्लोजिंग, काहे की 10 करोड़ की क्लोजिंग, एसलीपीएस मैनेजमेंट को चाहिए रिजल्ट की क्लोजिंग। रिजल्ट कितना आ रहा है, कितने लोग ठीक हो रहे हैं? यहां पर काफी लोग नए आए होंगे, सोच रहे होंगे यार ये क्या नौटंकी है, ये शहंशाह सुल्तान पता नहीं क्या क्या बना देते एक आम आदमी को। बहुत से लोग सोच रहे होंगे, कुछ हंस रहे होंगे, अच्छा कंपनियों के प्रोग्राम है, अच्छा यहां तो ऐसे दिखावा होता है। अरे इधर है ना, इधर कुछ भी दिमाग से नहीं चलता, इधर इधर प्यार मोहब्बत सत्कार ईमानदारी से होता है, सच्चाई से होता है, और नेटवर्किंग में दिल से होता है, दिल से। इधर झूठ नहीं चलता, किसी का कुछ हुआ होगा भला, किसी ने अचीवमेंट पाई होगी, वो प्यार लोगों का मिलता है। मेरे दोस्त, हम अपनी खोई हुई परंपरा को जिंदा कर रहे हैं। दोबारा अपने आयुर्वेद को हमने जन्म दिया, बेहतरीन से बेहतरीन आयुर्वेद बनाने की मैंने कोशिश की है, और हमेशा आपके लिए हम बनाते रहेंगे, हमेशा बनाते रहेंगे। ये वादा है, जो रिजल्ट आ जा रहे हैं इनसे अच्छे ही रिजल्ट आएंगे। कई भाई सोच रहे होंगे, भाई जो बेचने वाला होता है ना तो कंपनी सीईओ एंड एमडी है, ये तो सारी लॉलीपॉप टोपी वाली बात करेगा, है ना, ये तो अच्छी अच्छी बात करेगा, मक्खनबाजी करेगा, अपनी जो मिट्टी बेचता उसे भी सोना बताता है, है ना। बेचने वाला कभी अपने प्रोडक्ट की बुराई नहीं करता, मान ली आपकी बात। मैं झूठ बोल सकता हूं, लेकिन क्या ये 4000 आदमी भी झूठ बोल सकते हैं? अरे रिजल्ट मिलता है एसलीपीएस के प्रोडक्ट से या नहीं? अरे जोर से सुना नहीं, अरे रिजल्ट मिलता है या नहीं? रिजल्ट मिलता है या नहीं? लोग ठीक होते हैं या नहीं? लोग ठीक होते हैं या नहीं? दोस्तों मिलता है, और जो नए लोग आए उन्हें बता रहा हूं, लोग ठीक होते हैं। ऐसी ऐसी लाइलाज बीमारी लोगों की ठीक हो गई, जहां पर आपकी एलोपैथी ने हैंड्स अप कर दिए कि मैं नहीं कर सकता, हमने कहा हम कर सकते।